उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा का चीन पर जंगी तैयारे को गैर महफूज तरीके से रोकने का इल्ज़ाम। कैनेडियन वजीर दिफा बिल ब्लेयर ने चीनी के इकदाम को ख़तरनाक और लापरवाह करार दिया। बिल ब्लेयर ने कहा कि इस किस्म के रवैये कभी भी काबिल कबूल नहीं हैं। रूस का एटमी धमाके से मुतालिक अहम बयान। रूसी हुकाम का कहना है कि अगर अमरीका ने जौहरी तजर्बा किया तो रूस भी जवाब में ऐसा ही करेगा। अमरीका का इस हवाले से रवैया हर गुजरते साल के साथ ज्यादा गैर अखलाकी होता जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada ki fizaiya ke ek senior commander ne kaha ke pabandiyon ke nifaz ka gasht karne wale Canada ke nigrani ke tayyare ko chini jangi tayyaron ne peer ko Chin ke sahil se ghair mehfooz aur ghair peshawarana andaaz mein roka. Mazeed tafseelat is report mein. कनाडा की फिजाइया के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि पाबंदियों के नफाज का गश्त करने वाले कनाडा के निगरानी के तैयारे को चीनी जंगी तैयारों ने पीर को चीन के साहिल से गैर महफूज और गैर पेशेवराना अंदाज में रोका। ये वाकया CP-140 अरोरा तैयारे के साथ पेश आया, जो शुमाली कोरिया के खिलाफ तेल की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों के इशारे के लिए मशरकी बहिरा चीन की शिपिंग लेन की निगरानी कर रहा था। उस वक्त पेश आया जब रेडियो कनाडा ग्लोबल न्यूज़ के न्यूज़ अमला तैयारे में सवार थे। ये फर्स्ट ईयर लैंड हडलस्टन डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल की मुकम्मल नज़र में हुआ और बहरिया कैप्टन ड्रॉप वार्ड जापान में कनाडा के दिफाई अताशी। कनाडा के अमले ने मुकाबलों की पहली सीरीज में कोई मसला नहीं उठाया, लेकिन हवाई जहाज के अमले के मुताबिक एक चीनी लड़ाका फाइनल मुकाबले के दौरान कैनेडियन निगरानी वाले तैयारे के 5 मीटर के अंदर आया था और एक मौके पर उस मकाम पर फिसल गया जहां अरोरा को जंगी तैयारे के ब्लाइंडेड स्पॉट में टकरा दिया गया था। इसने अरोरा के करीब परवाज करते हुए मुतादिद शोलों का आगाज भी किया। सहाफियों से बात करते हुए वजीर दिफा बिल ब्लेयर ने चीनी के इकदामात को खतरनाक और लापरवाह करार दिया। ब्लेयर ने कहा इस किस्म के रवैये कभी भी काबिल कबूल नहीं है और हम इसका इजहार अवामी जमहूरिया चीन के सामने इंतहाई मुनासिब अंदाज में करेंगे। 2018 के बाद से चीनी जंगजुओं की जानिब से शुमाली कोरिया पर अक्वामे मुतहदा की इक्तिसादी पाबंदियों की निगरानी के लिए कनाडा और दीगर मगरबी ममालिक की निगरानी की सरगर्मियों को हिरासा करने के मुतादिद वाकयात सामने आए हैं। रूस ने कहा है कि अमरीका की तरफ से किसी जौहरी तजर्बे की सूरत में रूस भी ऐसा ही इकदाम करेगा और इसके लिए रूसी पार्लियामेंट जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के जामा मुहैदे CTBT की तौसीक को मनसूख भी कर सकती है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से किसी जौहरी तजर्बे की सूरत में रूस भी ऐसा ही इकदाम करेगा और उसके लिए रूसी पार्लियामेंट जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के जामा मुहैदे से TBT की तौसीक को मनसूख भी कर सकती है। रूसी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक CTBT रूसी वजारत खारजा में जौहरी हथियारों के आदम फैलाव और असलहे की तजारत पर कंट्रोल के शोबे के सरबराह व्लादिमीर यर्मकोव ने रूसी ज़राए इब्लाग से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकाम नोएडा में जौहरी तजुर्बात की आला तरीन सतह पर तैयारी को यकीनी बनाए हुए हैं और इस वजह से रूसी हुकाम का ख्याल है कि अमरीकी अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने के एक हिस्से के तौर पर एक मुकम्मल जौहरी तजर्बा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने CTBT पर दस्तखत 23 साल कबल किए थे, लेकिन अमरीका ने इस मुहिदे पर अभी तक दस्तखत नहीं किए
उन्होंने वाज़े किया कि इस सूरत हाल में रूसी पार्लियामेंट का ऐवान ज़ेरी रूस की तरफ से इस मुहदे की तौसीक को मनसूख कर सकता है, लेकिन ऐसा होने की सूरत में भी रूस जौहरी तजर्बे में पहल नहीं करेगा और हमारा मुल्क 1992 में रूसी सदर के फरमान के जरिए जौहरी तजर्बात पर आयद की गई पाबंदी पर अमल दरामद जारी रखेगा। ताहम रूसी अहदेदार ने वाज़े किया कि अगर अमरीका ने जौहरी तजर्बा किया तो रूस भी जवाब में ऐसा ही करेगा। रूसी अहदेदार ने कहा कि अमरीका का इस हवाले से रवैया हर गुजरते साल के साथ ज्यादा गैर इखलाकी होता जा रहा है और वो खुद इस मुहिदे पर दस्तखत ना करने के बावजूद CTBT की मुकम्मल तौसीक करने वाले मुमालिक को ये हिदायत जारी करता है कि उन्हें इस मुहिदे को कैसे नाफिज करना चाहिए। वाजे रहे कि रूसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी डोमा के स्पीकर वेलाचिस्लाव बिल्डॉन की तजवीज़ पर डोमा की कौंसिल ने 9 अक्टूबर को वजारत खारजा के साथ मुश्तरका तौर पर बैन अलावामी उमूर की कमेटी को हिदायत की है कि वो CTBT की तौसीक को मनसूख करने के मामले पर गौर करे। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।